बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मां डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फैसले जी घड़ी माया आफ्ता मोगरी मां में चाचा चंदा तो फैसला थण कपन हन धरती दड़िन ला कराची का कश्मीर कश्मीर खौ वरी कश्मीर ताई हन वक्त पाकिस्तान जे अंदर महंगाई उरूज ता है बे तरफ सियासत में तयात उए फैसला थिंदे नजर न था अचन जेके आम मानन सा वादा करे पाकिस्तान जी तमाम सियासी धिरियों इन ऐवान में वेठियों। खास तौर ते अज गाल क्यों तो पाकिस्तान जे अंदर हन वक्त गर्मी यो दर्जा हरारत वधंदे नजर अचे तो कराची में गुजरतर केतरन दीहन में जेको सो गर्मी एतरी उरूज ते आ है केतरन ही हल्कन में बिजली न होजन के करे केतरा ही मानू मौत जो माग बणजी विया। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान तमाम वो सियासी धुरियों जेके इन वक्त सिंध के ऐवान में वेठियो हैं पंजाब के ऐवान में वेठियो हैं केपी ए बलोचिस्तान के विफाक के तय आ इन लोड शेडिंग से जाफ्तो नाने चकियों हैं। इन सा गडो गड आम मानू की अगर गाल क्यों तो आम मानू यही चवे पे खुदारा घट में घट असके सस्ती सेहत सस्ती तालीम जो वायदो कयो वो दियो दियण जो वायदो कयो वो तो पूरो न थियो पर जेका बिजली जो वायदो इन वक्त भी पोयन दिन में सिंध के वड़े अहम सियासी लीडर यानी कि नासिर शाह चयो हो तो रात जो 10 का सुबह 6 बजे तक बिजली बंद न थींदी वो भी वादो वफा न थियो। पर गडो गड इन बजट के बहस का वरी बो बहस नओ मुतहदा कौम पाकिस्तान छड़े छो है जैमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया तो पाकिस्तान जहाँ के टुकड़ा थे उनमें किते न किते जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हथ है पाकिस्तान के बिन टुकड़न में पाकिस्तान के इन पूरे निज़ाम में खास तौर से सिंध के निज़ाम में जो कोटा सिस्टम राइज किया हो उन मुहाजर जे चाहे वह सिंध के कड़े में भी शहर में रहन उ अज महरूमी जो शिकार हैं उनके ओड़ी रीत नौकरियों न पी मिली सकन। पर यो भी तय आ पाकिस्तान के अंदर खास तौर से सिंध के अंदर मुतहदा कौम पाकिस्तान अदालतन जहाँ दरवाजा खड़काए केतरे वक्त का ही स्टे वी वेठी है तो सिंध के अंदर जी नौकरियों केतरे नौजवान के नौकरियों मिलियो उनते भी स्टे है खास तौर से नौकरियों के वायदा वचन कया हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उ नौकरियों न थी मिली सन। इन सा गो गाल क्यों तो अज आसिफ अली जरदारी जो अज मुलाकात कई है जो सो एएनपी के अगवान गुलाम अहमद बलोर साहब से इन सा गो गाल क्यों तो अज आलमी अदालत खास तौर से जो यूनाइटेड नेशन में जो जुल्फी बुखारी साहब है वह वेल हुआ कड़ी भी रीत जो सो बानी पीटीआई जो केस खड़ी तो उनके सजा आयल है जो मिलल है उनके कड़ी भी रीत दुनिया खास तौर से इंटरनेशनल इदारन के सामू पेश वे तो बानी पीटीआई बेकसूर है उनके इन वक्त जो जेल में रखो वो है वह हुकूमत पाकिस्तान की तरफों उड़ी वही नाजायजी है। पर इन गो गोयन दिन में यो भी नजर आयो तो किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मुल्क में जन वक्त वाइब्रेंट तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तान के इदारन जड़ी रीत सोशल मीडिया खास तौर से लॉबिंग कर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जोड़ी वे पी उ भी वही अहम है। अज असें प्रोग्राम में भी कोशिश कई से भी कड़ी रीत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो को पार्टिसिपेंट या को सीनियर रहनमा अगवान वो शामिल थी सके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कें भी दोस्त अज इन गाल हामी न भरी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सफुन में केतरा ही मानू आज जे पाकिस्तान जहा हामी कुछ नजरियाती कारकुन आन पर मेजॉरिटी जी है ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर से परदेह में जो वेठल जो एंटी पाकिस्तान इन वक्त मूवमेंट हलन पाया उनसा हा में हा उन बयानी से बयान निमलाण के फैसले के तहत अज केतर ही मू मुख्य आप दी रिकॉर्ड इन गाल का मना कर तो अज अस प्रोग्राम में शामिल ना सूँ पर तय आक्त अशद जरूरत है तो वह वही अहम है तो इस्लामाबाद अदालत 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है वो पीटीआई बानी के खास तौर से बुशरा बीबी जो केस जो वो वो अहम है बुशरा बीबी इद्दत वे मामले में भी इन वक्त 7 साल की जो सजा वह है उनके तहत जो जेल में मौजूद है पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पांजे इन बयानी के बयान कंदे सिंध के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहर में कोशिश करे पी कि कड़ी भी रीत जो सो पाकिस्तान के इन अदल निज़ाम खास तौर से मौजूदा हुकूमत से तनकीद कई वे ये वड़ा अहम सवाल है अज मौजूद मेहमान मां तारफ कराई तो हलां असलम गोरी साहब हैं सीनियर अगवान हैं जे यू एफ ए से तालुक है अवानी वरी मेहरबानी अवां सा वीडियो लिंक ते मौजूद आयो सीनियर रहनमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगवान हैं ज्ञानचंद साहब अवानी वरी मेहरबानी अवां वक्त कढ़ियो असांजे प्रोग्राम जे लाए इन सा गडो गड जेको आ सो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से तालुक है असां वट मौजूद हैं आमिर जी एम पी एन सिंध असेंबली में रुकनान सिंध असेंबली जहाँ की वीडियो मेहरबानी असा स्टूडियो में मौजूद आयो तया तो फैसले की घड़ी है वही अहम घड़ी पर शुरू वही अहम कदम ज्ञानचंद साहब मां आवाने इंदुस पर कोशिश कदास तो उर्दू में गलूँ छाकाण तो गेस्ट जे उसे समझी सकन जो भुट्टो साहब जो बयान कल जो
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो बयान दिनों उन बयान सिंध के अंदर इन वक्त हलचल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफुन में अज सईद गनी साहब भी तनकीद कई कल जो वही तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कई शजीर इनाम मेमन साहब भी नासिर शाह भी वाकई पाकिस्तान के टोड़ में बानी पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हथ हुयो ॾिसो ही एम क्यूम वारा जेके आहिनि उहे पाकिस्तान में जॾहिं खां आया आहिनि असां सिंध जे माण्हुनि हिननि खे वेलकम कयो हो त ही माण्हू हुतां मुसलमान भाइर तौरु नए हुकूमत जेको स्टेट सही उनमें अचनि था ऐं हुते हू हुते ख़ुशि कोन आहिनि उन करे हिननि खे वेलकम कयो हो सिंध जे माण्हुनि पंहिंजे दिलनि जा दरवाज़ा हिननि जे लाइ खोलिया पर ही ही आस्तीन जा सांप निकिता ही सदाई ही जॾहिं बि का ॻाल्हि ईंदी आहे त धरती धेड़नि जे ख़िलाफ़ हिननि जी उर्दू में ॻाल्हायो त साईं सम्झी सघनि पर हिकिड़ो लफ़्ज़ तव्हां इस्तेमालु कयो अस्थिम जा सांप नांग जेके असां हुननि खे पनाह ॾिनी असां हुननि खे पनाहूं ॾिनियूं हू कॾहिं कॾहिं असांखे कालाट बैग डैम जे ख़िलाफ़ बीठल नज़र आया सुबुह शाम हिननि जी इहा रिट लॻल हूंदी आहे त कराची धा कराची अलॻि आहे सिंध अलॻि आहे ये सिंध का हमारे दिल है दिल को अलग आप कर नहीं सकते जुल्फकार अली भुट्टो का मोहतरम है इन लोगों पे भी एहसान आते ये जो आज ये जो कहते हैं ना कराची 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 कमाता है कराची कमाता है वो कहां से कमाता है उसका पूरा रॉ मटेरियल हम हमारी जो प्रोडक्शंस है उससे ये पलते हैं हमारी जमीन पे ये पढ़ा लिए हुए हैं आज तक उन्होंने सिंध धरती को अपनी मां नहीं माना है खाते भी हैं और नफरतें भी फैलाते हैं हमने समझा कि एमक्यूएम पाकिस्तान बनने के बाद इनके इनके जरा पाकिस्तानी ये हो चुके होंगे तो लेकिन ये पाकिस्तानी तो नहीं हुए ये आज नहीं, मगर 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 आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी नहीं बने एक सवाल है ज्ञानचंद साहब किस वजह से आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं बन सके क्या इस बयान की वजह से या नफरत अंगेज जो ये सियासत का आगाज इस वक्त जो हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था क्या क्या ये सिंधी कहकर लोगों को जब कत्ल कर रहे थे ये ही लोग थे ना सिर्फ एमक्यूएम से ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान के नाम इन्होंने रखे अभी तक उनके अंदर में वो नफरत की आग तो बुझी नहीं है जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क का मोहसिन है जुल्फकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान को जो शनाख्त जो कदर वकार दिलाया है पूरी दुनिया में वो इन लोगों ने दिलाया इनकी शनाख्त क्या है दहशतगर्दी इनकी खालिक है सर आइन पाकिस्तान के आइन का वो खालिक है पाकिस्तान के आइन का खालिक है और पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी का वो फाउंडर है उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पे जो किया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो इस्लामी दुनिया को साथ बिठाने का जो कारनामा है जुल्फकार अली भुट्टो का है और ये क्या बात करते कि भाई आपने कोटा सिस्टम किया क्या नंगर पार्कर में जो तरक्की हुई है वहां की सब्जियां भी वहां की प्याज भी ये कराची तक आती है तो उसका वहां के मजदूर जो है कराची में मजदूरी करके इनके मदद करते हैं तो ये सिंध हमारा हेडक्वार्टर है किसी का ये इंडिया से उठा के नहीं ले आए ये सिंध था है और रहेगा ये नफरतें न फैलाएं हमारे यहाँ सैयद भी आए बाहर से आए हमारे यहाँ बलोच हमारे भाई हैं लेकिन बलोचिस्तान से आए हमारे यहाँ पठान आए जो दुरानी के नाम से आजकल सिंधी दुरानी है हमने सब लोगों को वेलकम कहा है इन लोगों को भी वेलकम कहा है लेकिन ये सिंधी बनना नहीं चाह रहे अगर ये सिंधी नहीं बनेंगे तो मुहाजिर के मुहाजिर रहेंगे और सिंध इनको जगह नहीं देंगे मगर सर वो कह रहे हैं कि कल खालिद मकबूल सिद्दीकी को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो भी यही भी तो बता रहे थे ना कि सर कहीं ना कहीं हमें जो है वापस मजबूर किया जा रहा है मैं तो वो लाजमी है आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जवाब लूंगा मगर आपके सामने जो सवाल रख रहा हूँ कि वाकईतन आप ऐसा क्या किया है कि अचानक उनको दोबारा ये महसूस होने लगा कि हम मुहाजिर हैं जी ज्ञानचंद साहब देखिए हम लोगों ने क्या किया इनको गवर्नरशिप दिया हम लोगों ने क्या किया इनको हमेशा पीपुल्स पार्टी ने कहा कि भी आप बावजूद इसके कि आपको आप दहशतगर्द तंजीम समझते हैं जब ये एमक्यूएम थे
मुहाजर कौमी मूवमेंट थे उस टाइम पे भी हमने इनको इनको वजारतें भी दी हैं, इनको जो स्पेस बनती है उससे ज्यादा स्पेस दिया है। जहाँ यहाँ तक के गवर्नरशिप तो कंटिन्यूसली किसी ना किसी उर्दू बोलने वाले का, उर्दू बोलने वाले का मकसद जिसको ये मुहाजर कहते हैं, हम उर्दू बोलने को मुहाजर नहीं समझते, ये थे मुहाजर, अब वो सिंध में आ चुके हैं, सिंधी हो चुके हैं। हमारे साथ पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो सिंधी है, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ ही जो है वो भी उर्दू बोलने वाले सिंधी थे, लेकिन ये एक जमायत है जिसके जिसके वो जहन से वो मुहाजरियत नहीं निकलती है, क्योंकि ये नस्ल परस्ती से के बेनिफिशियरी है। ठीक, पहले है। पैसे कमा आप, कर आप समझते हैं कि गवर्नर सिंध की जो है डिमांड की जो की गई है वो रिजाइन करें, तो गवर्नर सिंध का मामला है कि गवर्नर सिंध के जाना चाहिए, इनका उनका स्टेक नहीं बनता है। हम लोग उन्हें इनके क्योंकि सिंध से इन्होंने कुछ जो सीटें ली है और ऊपर गवर्नमेंट में भी फेडरल गवर्नमेंट में भी हम लोग एक गवर्नमेंट के साथ हैं, तो इसलिए हमने हमने गवर्नरशिप इनके लिए वैकेट छोड़ी कि भाई नून लीग वालों जानो ये जाने। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन साहब के साथ इनके बड़ा एक डेलीगेशन कुछ दिन पहले ही मिला है, हमने हम हमारी पूरी बजट अगर उठा के ले ली जाए तो कराची पे तो हम ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि कराची मेगा सिटी है, कराची में इंडस्ट्रियलाइजेशन। मगर सर वो उनको क्यों नजर नहीं आ रही है? रंजन साहब कौन सा ग्लासेस हैं जो आपके पास हैं, शजीद मेमन साहब के पास हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, इनको नजर नहीं आ रहे? मेरा सवाल यही बनता है कि आपने जो कराची को पेरिस बना दिया है, ये कह रहे हैं कि वो पेरिस है कहां, हमें नजर नहीं आ रहा। इनको इनको इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि इन्होंने वो चश्मा नफरत का चश्मा पहना हुआ है। अच्छा, गलत नंबर का चश्मा पहना हुआ है। जो भी मेगा सिटीज हैं जिन वसायल में है, इनकी दहशतगर्दी को खत्म करके कुछ अब तो स्ट्रीट क्राइम्स बचे हैं ना, पहले स्ट्रीट्स बंद होती थी, स्ट्रीट्स में खून ये लोग बहाते थे, सिर्फ नाम चेंज किया है। ठीक है, मैं आप साथ ही हैं, मैं जो है गवर्नमेंट में तो यही लोग रहे हैं ना। आमिर सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा सर, उनको शामिल करूंगा प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सर। एक तो ये कि वाकई नफरत अगेंस्ट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान की, वाकईतन जरूरत थी इस वक्त के आपने इतनी नफरत अंबेज जो है बातें कर दी, खालिक जो आइन का खालिक है जुल्फकार अली भुट्टो, आपने उसको गद्दार करार दे दिया, गद्दार का सर्टिफिकेट दे दिया, आपने उनको कोटा सिस्टम को कह दिया, फिर ये भी तो तय है कि आपने कोटा सिस्टम पे कभी तो बात ही नहीं की, शजीद मेमन साहब कह रहे हैं कभी आपने डिमांड ही नहीं की, आपने डिमांड की हमें वजारतें चाहिए, हमारा जो है फलां डीजी लगा दे, हमारा फलां एसी लगा दे, हमारा फलां जो है ये काम कर दें, कभी आपने जो है इस कोटा सिस्टम पे बैठकर कहीं सीरियस नुक्ते पे बात ही नहीं की, तो आप माजरत के साथ जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अऊज़ुबिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले मैं चंद जो है गया चंद साहब ने जो बात की उसका जवाब देना चाहता हूँ जी। शायद गया चंद साहब ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, और शायद ये बगैर या तो इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, इनको पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये जितनी प्रॉपर्टीज़ और ज़मीनें थी जो ये कह रहे हैं कि हमने कब्ज़ा नहीं किया, ये अब इस पर किसने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनने के लिए, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप अगर शायद मुताला कर लें, स्टडी पढ़ लें, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान बनने के लिए किसने कुर्बानियाँ दी। और हम कभी नहीं कहते कि कराची अलग है, हम कहते हैं सिंध, कराची जो सिंध का अटूट है, और सिंध ही कराची है और कराची ही सिंध है। कभी एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये बात नहीं की, तो ये बात वाजे रखें कि कराची सिंध है और सिंध ही कराची है, कराची सिंध का अटूट है। कभी हमने इस तरह की हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से बात नहीं हुई है। और ग्याचन साहब आप जो बात कर रहे हैं तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ें तो शायद आपको पता चल जाएगा, या तो आप बगैर पढ़े आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कि पाकिस्तान बनने के लिए कुर्बानियाँ किसने दी। लियाकत अली ख़ान की आपको पता है कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, ये किन लोगों ने पाकिस्तान बनने के लिए कुर्बानियाँ दी, जानों के नजराने पेश किए, आज आप उन लोगों को धुतकार रहे हैं, आज आप उनको लासानी कह रहे हैं। सर बाजरत के साथ वो कह रहे हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी वो तो लाजमी है पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो JUIF में भी गए, वो नून लीग में भी गए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी थे, वो पीपल्स पार्टी में भी थे, यानी कि उर्दू बोलने वाले जिनको आप मुहाजिर कहते हैं उनका दावा तो यही है ना कि इस वक्त के तमाम उर्दू बोलने वाले जो इस वक्त आपकी सफ़ों पे नहीं हैं वो ऐसी नफरत अंगेज़ बातें नहीं करते, मगर आपकी सफ़ों से ऐसी बातें क्यों आती हैं कि आप वही बातें करते हैं जिससे जो है मज़ीद नफरत में इजाफा होता है। और आज MQM ने जो मुस्तफ़ा कमाल ने आपकी तमाम सियासी लीडरों ने ये नारा ख़त्म करके दफन करके नफरतों का जो आगाज़ किया था उस तरफ दोबारा क्यों जा रहे हैं? देखिए हम उस तरफ नहीं जा रहे, बात समझने के, किसी ने अगर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा हो
तो आप उसमें वाजे देखें। मैं भुट्टो साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। आज मुझे ये बताएं, जो भुट्टो साहब ने आइन बनाया है, हम कहते हैं बहुत हमारे लिए उनके दिल में बहुत इज्जत है, आप मुझे बताएं जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब का जो आइन है, क्या आज सिंध गवर्नमेंट उस पर अमल कर रही है? मुझे बता दें कि आप मुझे कोई बताए कि उस आइन पे हमारा जो नारा था रोटी कपड़ा मकान, आज मुझे बता सकते हैं सिंध के अंदर कोई एक टाउन यूसी डिस्ट्रिक्ट, ये ग्याचंद साहब बताएं तो मैं इनके साथ चलता हूँ, इनकी दावत लेता हूँ या मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, मुझे कोई सिंध का एक टुकड़ा दिखा सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोई रोड कि जो विलेज ऐसा बन गया हो कि जी हम उसको दिखा सकें अपने भाइयों को कि भाई देखें हमारी गवर्नमेंट ने ये आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ किए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट बता दें पूरे सिंध का। तो हम जो कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें सबकी भलाई है। आप देखें मुझे बात करने दें। अभी आप मैं कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम जो फॉरेंसिक ऑडिट की बात करें, डोमिसाइल की पीपल्स पार्टी के जो समझदार लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि जी फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर आए कोटा सिस्टम। अब ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये सिंध की भलाई में है, इसमें उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी जो मेरिट पे आएंगे। आप बात करते हैं उन लोगों की जो मगर मैं कल जो सुन रहा था आमिर सिद्दीकी साहब, वो भी तो तय है कि शजीनामे में ने ये भी फरमाया कि उस वक्त अगर उठा के देखें कि उस वक्त के सेक्रेटरी, उस वक्त के वुजरा के रिश्तेदार उस टेस्ट में फेल हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिल सकी, तो आप कैसे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जी सिंध के मुख्तलिफ अजला के लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं मगर कराची के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है? अब तो एक सिस्टम जो है वो तो क्लियर है ना कि सर किसी की सिफारिश तो वॉकिंग इंटरव्यू तो हो नहीं रहे हैं कि जी वो शबीर का बेटा है, बशीर का है, JUIFA का है या MQM का है, जी नौकरियाँ दे दें। उन्होंने तो उल्टा आपके राफ्ता कमेटी पर सवाल उठा दिए कि आपके जो इर्द गिर्द राफ्ता कमेटी में लोग बैठे वो कोई वाटर बोर्ड से तनख्वाह लेता था तो वो जो है SB से भी लेता था तो वो KMC से भी लेता था, एक ही बंदा तीन तनख्वाह लेता था। सर हम तो कह रहे हैं निकालें, जब भी तो ये डिमांड कर रहे हैं ना कि फॉरेंसिक ऑडिट कराएं डोमिसाइल की, और जो बात हो रही है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो जॉब दे रहा है तो उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, सामने आ जाएगा कि नौकरियां किस तरह मिल रही हैं। और देखिए हमने कभी लसानियत की बात नहीं की, हम कहते हैं हम सब भाई हैं, हम इस सिंध में रहते हैं और हम चाहते हैं कि सिंध सबसे आगे निकले। आज मुझे बताएं कि सिंध क्या सबसे आगे निकल चुका है, बाकी सूबों से हम पीछे हैं आगे हैं? तालीम उठा लें, सेहत उठा लें, कोई भी आप ये चीज़ें जो हैं ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप ऑपोजिशन में आपको हक है, इन चीज़ों की लाजमी है, सिंध का हर आवाम आपके साथ खड़ा होगा जब आप ये बात करेंगे कि जी बिजली नहीं है, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं है, मगर इस बात पर आके आप कहेंगे कि जी हम मुहाजिर हैं, नहीं हम मुहाजिर हैं और हमें जो है उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा और हम मजबूर हो रहे हैं उस तरफ वापस जाने पर जो पहले थे हम, तो फिर तो ये तो सरासर धमकी हो गई। फिर बानी पाक बानी खाले के जो है आइन को उस पर तनकीद करना तो ये तो काबिल मजम्मत तो है ही है ना? नहीं देखें बात इस पराय में हो रही है कि मैं कहता हूँ कि आप सारे नंबर्स उठा लें, 15 लाख बच्चे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, आने वाले सालों में आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, इंजीनियर्स डॉक्टर जितने प्रोफेशनल्स हैं वो पाकिस्तान और खास तौर पर कराची से लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, ये महरूमी है ना। हम कभी लसानियत की बात नहीं करते, हम चाहते हैं असलम गोरी साहब सब मिलकर। असलम गोरी साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा सर, JUIFA क्या समझती है कि ये जो MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी, ये जो कल नया एक जंग का आगाज हुआ है जिसमें MQM जो इल्ज़ाम लगा रही है वो समझते हैं कि वाकईतन जेन्युइन इल्ज़ाम हैं? जैसे कि मैंने अभी आमिर सिद्दीकी साहब को कहा कि जी सिंध के इशूज़ जो हैं उनको अगर आप रेज करते हैं तो यकीन नहीं पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध की अवाम आपके साथ होंगे कि जी हमारे हक की बात कर रही है अपोजिशन और खास तौर पर इस ऐवान में MQM, मगर जब ऐसे नफरत अंगेज बयान आएंगे तो उससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इतनी नफरत बढ़ चुकी है जो कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, मगर ये एक और आगाज हो गया सर कल से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, ये मेरे दोनों भाई मोहतरम हैं, दोनों पार्टी में मेरे लिए मोहतरम हैं। मैं थोड़ा सा इस सारी सुनेरियों को किसी और अंदाज में देख रहा हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगे और मेरे दोनों भाइयों को कैसा लगे। जी दोनों पार्टियां वफाकी हुकूमत पे इकट्ठी बैठी हुई हैं। सही, दोनों पार्टियां 47 के फॉर्म के तहत हुकूमतों में आई हैं और MQM को तो एक प्रेशर ग्रुप लाया गया है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ और वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ। और आज कौम कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM ने, उस वक्त ताजरों ने मुल्क की एहतजाज की काल दी थी बिजली के खिलाफ, गैस के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ। तो ये तवज्जो हटाने का खेल है, ये एक ड्रामा है, ये हमेशा आज से नहीं है, 25-30 साल से सिंध में रहा है। MQM हुकूमतों में 10-10, 12-12 साल रही, क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म कराया, क्यों नहीं इस चीज को खत्म कराया? क्योंकि आपको याद रही कि 90 पे 500 और 1-1 हजार पे 1-1 हजार जो है वो लेटर जाते थे नौकरियों के लिए, लेके जाए जाते थे, फिर इतहाद हो जाता था, भूल गए आप इस साधु बातों।
मैं समझता हूं कि ये दोनों भाई एक प्री प्लान उस पर दोनों पार्टियां एक प्री प्लान काम कर रही हैं। अवाम की असल मसाइल से मैं कराची में हजार आदमी मर गया यार, गर्मी से पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रहायश नहीं है, उस पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हो रही है। बिजली के बिल लोग हाथों में लिए फिर रहे हैं, गैस के बिल लोग हाथों में लिए फिर रहे हैं। हमें पिछले 1.5-2 साल से पूरी यूनिवर्सिटी रोड उखड़ी हुई है, शदीद गर्मी में 4-4 घंटे लोग रोड पे फंसे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, उसमें क्यों नहीं बात हो? ये एक सिर्फ एक खेल है, अवाम की तवज्जो हटाइए और आप भी उसका हिस्सा बन गए कि आपने भी अपना पूरा प्रोग्राम ही इस पे ले गए। तो मैं समझता हूँ सर, नहीं मैंने मैं प्रोग्राम इसीलिए लेके गया हूँ उस तरफ माजरत के साथ कि जैसे आप शामिल हैं, मैं बीइंग द जर्नलिस्ट मैं भी यही बात कर रहा था। अगर आपने मेरा इंट्रो सुना होगा कि इस वक्त अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर के नफरत की जगह बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये समझते मैंने गलत कहा तो फिर आपकी सोच है। अगर मैंने ये कहा कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था सियासी जमातों ने, आपने लिखा था, वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अगर ये मैंने कहा तो फिर गलत है, तो आपकी सोच है। मैंने तो सवाल आपके यही उठाए असलम गोरी साहब। देखिए बात सुनो, 1980 से एमक्यूएम सिंध में सियासत कर रही है बिल्कुल, और इसी से सिंध में प्रोफेसर गफूर अहमद थे और दीगर हजरात थे, अभी भी हाफिज नईम है, मुनव्वर हसन साहब हैं, शायमा नौरानी साहब हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिंध को सिंध में मुहाजिर रहे हैं, जो लीडर कौमी असम्बली में और दूसरी जगह पे क्यादत भी है, हुकूमतों में भी रहे हैं और वजीर भी रहे हैं, और एमक्यूएम भी ठीक है, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड, मेरा भाई ज्ञानचंद पूरी सिंध कार्ड खेल रहा है, पूरी सिंध की बात कर रहा है ना, वो ये कालाबाग डैम की बात कर रहा है, वो दूसरी चीजों जो बातें कादर मक्सी किया करता था, जो बातें दूसरे हजरात मेरे दोस्त किया करते थे, आज वही पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त कर रहे हैं, और ये एमक्यूएम वही फिर मुहाजर कार्ड, वही मुहाजर कार्ड, ये क्या करना चाह रहे हैं आप यार? कौम को बताएं। मतलब उन्होंने साफियों ने भी सवाल भी किया खालिद मकबूल सिद्दीकी से, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि अब मुहाजर कौमी मूवमेंट दोबारा नाम रखा जाए इस पार्टी का, हम तो उस तरफ जा रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ कि दोनों पार्टियां अगर अपने आप को मुंतखब समझती हैं तो अवामी मसाइल पे बात करें, ये खेचा तानी पे बात ना करें, तवज्जो हटाने की बात ना करें, अवामी मसाइल से लोगों की तवज्जो ना हटाए, लोग मर रहे हैं उसकी तरफ देखें, पूरे सिंध की हालत देखें। आप शिकारपुर में, जैकबाबाद में, सक्खर में, पूरे सिंध में, आप लाड़काना में, आप शाम असर के बाद आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आप कच्चे में पहुंच जाते हैं सीधे। ये 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एमक्यूएम उसमें बोले ना, क्या एमक्यूएम उस दौरान में हुकूमत का हिस्सा नहीं रही है? तो ये सारा कुछ हुआ है। जिन लोगों पर आज कहा जा रहा है कि ये जी एमक्यूएम के लोग हैं और सरकारी मुलाजम से तनख्वाहें लेते थे, तो क्या उस दौर में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी? क्या उसके दौर में नहीं था? उन्होंने क्यों नहीं कार सपोर्ट के बाहर निकाला? आज क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं? मगर गवर्नर असलम गोरी साहब, गवर्नर की इस्तीफा का जो डिमांड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जी वो इस्तीफा दे, उसकी वजूहत क्या है? आपको कुछ समझ में आ रही है कि जी? नहीं तो उसके बाद क्या आएगा? इनका तयशुदा है, ये तयशुदा है, ये जाएगा तो और आएगा, वो भी एमक्यूएम का होगा, हो सकता है एमक्यूएम ने इनको अंदर खाना कहा डिमांड करो, इसको फारिग करो, मैंने बढ़ना है गवर्नर। ये सारी चीजें बाजार कुछ और होती है, अंदर कुछ और होती है, आवाम समझते हैं इन चीजों को। दोनों मेरे भाई हैं, हमें, मैं भी इनके साथ सिंध में 40 साल की सियासत कर रहा हूं और मैं भी इस सियासत को थोड़ा बहुत तालिब इल्म हूं, समझता हूं। अब तो मैं इस्लामाबाद में भी बैठा हूं, यहाँ भी मैं सब देख रहा हूं जो कुछ हो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें सिंध के लिए सोचना चाहिए, हम सब सिंधी हैं, चाहे वो उर्दू बोलता है, चाहे वो जनाब सिंधी बोलता है, चाहे जैसे मेरे भाई ने कहा कि दुरानी है, आगा है, बहुत से लोग बाहर से आए, बलोच है, पंजाबी सेटल है यहाँ, हमें सबको सिंध के लिए सोचना होगा। अगर हम आपस में अगर इस तरह लड़ेंगे तो असल मसाइल से तवज्जो हट जाएगी, लोग हमसे नफरत करेंगे, लोग सियासत से नफरत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि लोग आपके प्रोग्राम देखने की रेटिंग चेक कर रहे हैं कि लोग कितना प्रोग्राम देखते हैं, हमारी इन्हीं बातों से क्या आवाम समझती नहीं? सोशल मीडिया पे हर चीज उन तक पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें असल मसाइल की तरफ आना चाहिए। मुल्क की इस वक्त इंतहाई, मैं जैसे कहते ना, एक मरीज कसम पुरसी की हालत में होते हैं, मुल्क इस वक्त कसम पुरसी की हालत में है, और आज से नहीं है, पिछले 2 साल से उस किनारे पे खड़ा है जिसके आगे आप समझते हैं कि जी हम उस दलदल में गिर जाएंगे जिससे बचना मुश्किल नजर आ रहा है। IMF हमारा बजट बना रहा है, वजीर आजम साहब वजीर आजम हैं लेकिन उनके मिनिस्टर कोई और लगा रहा है, ये क्या तमाशा है इस मुल्क में? हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, वजीर दाखिला किसी और का है, वजीर खजाना किसी और का है, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? ये इस पे बात करें आप,
ये बात है करने वाली, ये जो अवामी मसाइल इन सब ने एमक्यूएम ने भी वोट लिया है, अगर इनने वोट लिया है तो अवामी मसाइल पे बात करें, अगर पीपल्स पार्टी ने भी वोट लिया है, हम तो समझते हैं दोनों पार्टियां 47 पे आई है माजरत के साथ। चले मैं ज्ञानचंद साहब, ज्ञानचंद साहब की तरफ जाऊंगा, अगर यह समझते अवामी फिर ये इस तरह की उलझनों की बात ना करें, ये तो 25-30-40 साल से सिंध में यही होता रहा है, बल्कि जनाब मुंतजरी भुट्टो के दौर से ये बाजार और ये सिंधी और ये कार्ड चलते रहे और हमेशा चलते रहेंगे। और इसमें वही सवाल आ रहा था सर कि इतने दिनों के बाद अल्लाह अल्लाह करके सिंध के अंदर और बिलखसूस सिंध का कैपिटल है कराची, उसमें सुकून आया था, फिर ये जो बेसुकूनी वाली बात जो आई है तो वो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसको किसी और जाविये में पेश कर रही है ना, वो कह रही है कि जी सिंध की तरक्की देखनी है तो कराची के मुख्तलिफ उन्होंने तरक्याती काम गिनवा दिए। ज्ञानचंद साहब आपने इतने काम गिनवाए, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने, कि वो पीपल्स पार्टी जो है जो काम गिनवा रही है वो एमक्यूएम को नज़र नहीं आ रहे, वो तरक्की एमक्यूएम को नज़र नहीं आ, चाहे वो अंडर बाईपासेस हों, जैसे अभी असलम गोरी साहब ने कहा कि खुदारा ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है आपका यूनिवर्सिटी रोड का, हज़ारों लाखों लोग जो है पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक उसमें फंसे रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो तनकीद काम पे हो तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, मगर आपके जो काम है वो नज़र नहीं आ रहे सर इनको। देखिए इनको नज़र नहीं आ रहा, जो भी काम हम गिनवाते हैं उनमें से कौन सा काम नहीं हुआ है, एक बात ये, जो काम ये गिनवा रहे हैं वो नहीं हुए, हम नहीं कह रहे कि वो हुए, उनके होने की बहुत ज़रूरत है, कुछ इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उससे हमें इनकार नहीं है, हमारी कारकर्दगी पे आप तनकीद करें मोस्ट वेलकम, आप सियासत करें, इससे हमें इनकार नहीं है, अगर लोगों ने समझा कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो लोग आइंदा हमें नहीं इलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो भाई बात कर रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो की, जुल्फकार अली भुट्टो तो वो था जो टूटे बिखरे पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा वकार दिलाया दुनिया में, हमारे 90,000 जो कैदी थे उनको वापस पुरमन तौर पे लेके आए, ये वो बात करने के भाई सिंध में हम लोग वहां से कुर्बानियां देकर, भाई आपको वहीं कुर्बानियां देकर आए थे, इधर आपको हमने वेलकम किया, यहां तक कि हमारे साथ तो ज्यादतियां यही थरपारकर तक जो जमीनें हैं इनको अलाट की गई, जो आए थे जिनको हमने वेलकम किया, उन मेहमानों ने क्या किया कि ये मेजबान किसी भी जो यहाँ से ट्रांसफर हो गए लोग उनकी जमीनें उनकी मिल्कियतों पे उनका कोई हक नहीं है, ये जो आए हैं सिर्फ इनको दी जाएंगी, हमने कहा ठीक है भाई ये वहीं से आए हम इनको वेलकम करते हैं। फिर क्या हुआ जब हमने कहा कि भाई सिंध में सिंधी जबान तो फसादात हो गए, वो किसने किए, यही लोग थे, किसी और शक्ल में थे, आज और शक्ल में हैं, ये बताएं ये कराची में इनकी हुक्मरानी रही है, इन्होंने शाह लतीफ के नाम के कितने रोड बनाए हैं, इन्होंने किसी भी सिंधी के मशहूर शायर किसी भी लेजेंड के नाम पे इन्होंने क्या किया, जुल्फकार अली भुट्टो जिसने बिखरे हुए पाकिस्तान को बचाया, जिसने बिल्कुल वकार दिया, आज उनकी तनकीद उनके पे जा रही है, वो भुट्टो जो इस डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान तक दे गया लेकिन पाकिस्तान के वकार को और इस डेमोक्रेटिक लोगों के वकार को नीचे नहीं होने दिया, उस पर ये तनकीद कर रहे हैं, इनकी पहचान क्या है, वो तो ये खून से भरी हुई कराची की गलियां बताएंगी, इनकी ये बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पे जब हुक्मरानी किया क्या किया है, उसका आपने मुशरफ के साथ बैठ कर उसका इस्तकबाल कैसे किया था, तब भी आपने तो लाशें बिछाई थी, अब जब आप 12 मई का जिक्र कर रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान बनी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन के रहे, और ये लोग नहीं वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि अब हम मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ जाएं, हमें बात ना करनी पड़े ये सिंधी में बात, नहीं नहीं मगर वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम दोबारा मुहाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ धकेला जा रहा है, हम उस तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो कौन मजबूर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, देखें इनको सुसाइड करने का शौक है तो करें, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले जिनको ये मुहाजिर बनाना चाहते हैं वो सिंधी बन चुके हैं, वो उर्दू बोलने वाले सिंधी बन चुके हैं, उन लोगों काफी लोगों ने सिंधी सीखना भी शुरू कर दिए ताकि वो जबान से भी सिंधी लगे, तो ये इनको शौक है तो कर लें, इनसे अब कुछ नहीं होगा, इस धरती के वारिस इस यहाँ के जो नमक खाने वाले लोग हैं वो नमक की हक अदा करेंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे तो किसी और जमायत के साथ खड़े होंगे, लेकिन उस जमायत के साथ खड़े होंगे जिस जो धरती से प्यार करेगा,
जो मोहब्बत बिखेरेगा, ये नफरतें बिखरने वालों के साथ खड़े नहीं होंगे। ये अपना शौक पूरा करना है तो कर लें। सर अमर सिद्दीकी साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, वो कह रहे हैं कि जिस ठीक है ये तो ठीक है, मगर वही वाली बात है कि सर माजी जो है दागदार है एमक्यूएम का, मगर पीएसपी बनी, एमक्यूएम के दो टुकड़े हुए, एमक्यूएम को दफन किया, दोबारा एमक्यूएम को आप लोगों ने, यानी कि अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार जो क़यादत है, दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान को आपने एक कोशिश करके किसी भी तरह जो है, जैसे उसे कतई नज़र, जैसे असलम गुरी साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के तहत आप पहुंच गए ऐवान के अंदर, मगर इसके बावजूद जब आप ऐवान में पहुंचे तो कामों पे तनकीद करें। सर मैं वही बात कर रहा हूं दोबारा कि आप नफरत अंगेज और कह रहे हैं कि हमें मुहाजर नहीं बनाया जाए, तो सर आपने कितनी दफ़ा डिमांड की कि इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए? नंबर वन कि जैसे कि माजी में उस वक्त तो पीपल्स पार्टी नहीं थी विफाक में, उस वक्त तो इमरान खान बैठा हुआ था, पीटीआई बैठी हुई थी, वहाँ पर भी आपने जाके ये डिमांड नहीं की के जी सिंध में कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, मगर आप उस पर साइन करके आ गए और वो साइन करके आपकी ही पार्टी आई जी। सर मुझे साइन ने जैसे कहा, अगर ये मैं इस हिस्ट्री में चले जाऊं, असा भी सिंधी गलाए सका था, सुठी गल। मैं साइन को ये बताऊं कि हम सिंध के स्कूलों में पढ़े, सिंध से तालीम लिए, सिंध कराची है और कराची सिंध है, मगर पूरे सिंध की आवाम आज देख रही है प्रोग्राम कि जिस तरह से गया चैन इसरानी साहब ये डिवाइड की बात कर रहे हैं, इन्होंने सारी चीजें ज्ञानचंद साहब जो है इन्होंने सारी चीजें गिना दी। मुझे ये बताएं कि लियारी गैंगवार को भूल गए आप, और बाकी मैं अगर जुल्फो अभी बाकी अगर सारी तंजीमों का नाम तो लासानियत की बात है कि हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदारा सिंध के बच्चों को उनका हक दो। हम कभी कराची की बात नहीं करते, हम कहते हैं सिंध की बात करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि सिंध के बच्चों को उनका हक दो। ये जो आपकी नौकरियाँ थी, आप हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें और जब आप नौकरियाँ उठाएंगे तो शायद आप भी अकेले में बैठ के खुश होते होंगे कि यार हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, क्योंकि सिंध के बच्चों को उनका हक नहीं मिला था इन नौकरियों में। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को नौकरियां दी थी, सिंध के बच्चों को नौकरियां नहीं दी थी। और बात लसानियत की बात आप कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये पूरा सिंध आज देख रहा होगा कि लसानियत की बात आप कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा रहे इन सिंध के बच्चों को नौकरी दो। जो आपने सवाल उठाया जी, मुझे बताएं कि क्या इमरान खान के पास जो था 2/3 मेजोरिटी थी, हमने वहां पे कहां हमने आवाज उठाई कहां पे? मगर आपने ये तो सवाल नहीं उठाया कि सिंध में कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। हर प्लेटफॉर्म पे आपने पीपल्स पार्टी के सामने कभी भी नहीं उठाया, वो तो कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे पीपल्स पार्टी के लिए, आपने कभी भी सिंध में कोटा सिस्टम का सवाल नहीं उठाया। आपने तो गए, आप तो कोशिश करते रहे कि जी हमारा सिस्टम में हिस्सा इतना होना चाहिए, ये जो है फला फला जो है महकमे जो है उनमें हमारे लोग लगाए जाए। नहीं, बंदा गया अपना केस लड़के आ गया। आप वही उनका मत शजीर इनाम मेहमान और नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा ऐसे मुझे कि हर बंदा जो है इंडिविजुअल गया और अपना काम लेके और निकल गया। आपने जो जिस महाजर कास को लेके, जिसको शहर कराची को ठीक है थोड़ी देर के लिए छोड़ें, कराची वालों का दर्द जो था वो दर्द तो उस तरह से बयान नहीं किया, आपने तो अपना केस लड़ा, आपने अपने फायदे का सोचा। नहीं देखिए, बात जो नासिर शाह साहब ने और शर्जील साहब ने की वो बहुत सीनियर है, उन्होंने क्या बात की आज मुझे बताएं कि अगर मैं वो बातें खोलूं तो कौन लंदन में जाता था पाँव पकड़ने के लिए? तो वो तो बात ये आ जाएगी आज, ये तो मीडिया पर रिकॉर्डेड है ना कि कौन किसके पास जाता था कि हमारी हुकूमत बचाओ। तो बात ये ना, अगर हम बात खोलेंगे तो आ जाएगी, इसमें सब शामिल हैं कि वो जो लोग मफाद परस्ती करते थे वो लोग थे। आज एमक्यूएम पाकिस्तान यही मुतालबा कर रही है कि खुदारा सिंध की तरफ देखें। हम कभी ये नहीं कह रहे कि हम अलग हैं, हम आपके साथ हैं, आएँ बैठें और सिंध के बच्चों की तरफ सोचें कि हम किस तरीके से अपने नौजवानों को मेरिट के ऊपर वैकेंसीज दें। हमने कभी भी अलग बात नहीं की। आप मुझे बताएं कि पुराने माजी में आप बताएंगे आफ्ताब साहब कि कौन जाता था? शर्जील साहब से पूछ लें कि कौन वहाँ पे लंदन जाता था पाँव में बैठ जाते थे जाके कि हमारी हुकूमत बचाएं? हम तो नहीं जाते थे, हमने तो हमेशा कोटा सिस्टम के खिलाफ। आप नहीं जाते थे, आपको तो वहाँ से इकदाम आते थे ना कि आपने शहर को किस तरह से जलाना है, किस तरह से आपने बंद करना है, किस तरह से, वो तो ठीक है अपनी हुकूमत बचाने जाते थे, उसका हिस्सा आप भी थे। जो आपने आपकी जो क़यादत है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं है माजरत के साथ, ये मुस्तफ़ा कमाल के हैं, आपकी मरकजी क़यादत के हैं कि किस तरह से मुहाजरों को जो है वेपन पकड़ाया गया, किस तरह से मुहाजरों को माधुरी और काला, कनकटा, लंगड़ा और मोटा और छोटा, काला, ये तो जो कलामात दिए गए वो आपके ही सफ़ों से जो है ना हमें बताए गए सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। आपने कलम वालों को जो है कलम छीन के पवा और वेपन कैसे पकड़ाया और रो रो के आपने बताया सिंध के लोगों को, माजरत के साथ।
तो ये तो आपने बताया, ये पीपल्स पार्टी JUFA ने नहीं बताया। देखिए बताया ना, मगर वो लोग आज कहाँ हैं, अदालतों में, जेलों में, अदालतों में उनको जेलों में बंद है। तो कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उसका हिस्सा थे, आपने गलती तस्लीम की कि ये हमारी गलतियां थी जो हम उस लंदन वालों के साथ जो थे, आज वो गलतियां तस्लीम कर रहे हैं आप। ये कहने का मकसद ये कि चले वो तो हुकूमत बचाने के लिए गए, मगर आप तो आगे निकल गए थे ना जी। मगर हम निकले थे तो आज मुस्तफ़ा कमाल भाई साहब ने क्या बात की, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने यही कहा ना कि हम निकल के आ गए, हम उस लंदन को छोड़ के हम पाकिस्तान में आ गए। आज MQM पाकिस्तान का नारा क्या है कि हमें मुल्क बचाना है, सूबा बचाना है। आज आप मुझे बताएं कि कोई MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कलम के अलावा कोई दूसरी बात कर ले, कोई आप मुझे पूरे पाकिस्तान में, कराची में कहीं से साबित कर दें कोई MQM का पाकिस्तान का कारकुन कोई बदतमीजी कर ले या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आज मैं कहता हूँ जो आप सजा रखें हम तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल, मगर आते हैं सर दूसरी तरफ, क्योंकि असलम गोरी साहब कह रहे हैं कि ये जो इशू है ये तो बड़ा अहम है मेरे लिए भी, मगर पाकिस्तान के लिए भी, मगर इससे हटकर जो इशू है वो है महंगाई का, लोगों का, रोज़गार का। क्योंकि जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि क्या आप भी रुकन सिंध असम्बली में MP हैं, हम तो ये सच्चो समझते हैं कि सिंध में एक अच्छी और तगड़ी अपोजिशन होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ज्ञाचंद ने कहा कि हमारे ऊपर तनकीद करें कामों के हवाले से, बहुत अच्छी बात है, मगर ये नफरत वाली जो है, ये फैक्ट्री जो है ना अब बंद जो की थी आपने, दोबारा इसका ताला ना खोलें, अगर खोलेंगे तो इसको नुकसान फिर आपको ही होंगे और फिर आपके ही सफ़ों से कोई लंगड़ा, काला, मोटा, माधुरी, पता नहीं कौन कौन से लोग जो पैदा हुए थे उस इंडस्ट्री से फिर ये पैदा होंगे। तो ये अल्लाह ना करे कि ये दोबारा पैदा हों, क्योंकि शहर का जो है नौजवान, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, पख्तून हो, सिंधी हो, बलोच हो, सराइकी हो, इस सूबे में रहने वाला सब नौजवान जो है उनका हक है कि उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। मैं इसी सर, पे बिल्कुल मैं इसी पे आपको एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ असलम गोरी साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज मुल्क जिस दहाने पर आ चुका है और हम तेज़ी से खराबगी की तरफ जा रहे हैं, तो इस सबकी जिम्मेदारी बनती है। आए बैठे हमने असम्बली के अंदर जो अपोजिशन की है, आप सारी स्पीशीज उठा लें, हमने कारकर्दगी पर बात की, हमने तामीरात पर बात की कि आए बैठें और चीज़ों को बेहतर करें, हमने कहीं भी गलत ऑपोजिशन नहीं की। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम करे जिससे लोगों को, आवाम को रिलीफ मिले। हमने बिजली पे भी बात की, वाहिद MQM पाकिस्तान है जिसने K4 पे बात की है। हम पानी पे बात कर रहे हैं, हम सेवरेज के लिए लड़ रहे हैं कि S3 को कम्प्लीट करें, थोड़ी सी बारिश होती है पूरा कराची डूब जाता है। तो हम तो S3 पे बात कर रहे हैं, S2 पे बात कर रहे हैं, हम K4 पे बात कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन पे बात कर रहे हैं। असलम गोरी साहब बताएं, आप असेंबली की स्पीसीज उठा लें कि हर MPA ने सारा यही उठाया है कि भाई आए बैठे मिलके मसले को हल निकालें, हम आपको बता देंगे कैसी चीज़ें सीधी करनी है, हम आपका हिस्सा हैं, हम आपका बाजू बनेंगे, हम नफरत को कभी भी आगे नहीं लाएंगे। मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता आज जो हमारे हालात हैं, ठीक है, तो बेहतर ये कि हम अपनी चीज़ें सीधी करें, अपने लोगों को रिलीफ दें। बिल्कुल, असलम गोरी साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर एक तो तय है कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है रेफरेंस बानी PTI और उसकी घरवाली बुशरा बीबी की जमानत जो है वो बड़ा अहम है, मगर इसके साथ साथ आज अक़वामी मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की बाबत जो है जो काउंसिल जो है उसने PTI बानी को हिरासत में रखने वाला फैसला एकतरफा सुनाते हुए जो आज बात की है, और ख़ास तौर पर जुल्फी बुखारी ने। सर ऐसे अनासर, एक तरफ तो हम MQM और सिंध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी लोग हैं PTI की सफ़ों में जो कोई जगह नहीं छोड़ते कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं रुसवाई हो, तो समझते हैं कि इंटरनेशनली लेवल पर इस वक्त पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों आपने देखा कि अमेरिकन एक बड़े ऐवान ने करारदाद मंजूर की जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो इश्यूज़ है उसमें मुदाखलत थी, तो JUFA क्या समझती है कि सर ये जो मामलात हैं इस वक्त PTI जो अक़वामी मुत्तहिदा फिर कांग्रेस की तरफ से ये करारदाद मंजूर होना, तो ये पाकिस्तान को इस वक्त बदनाम करने की कोशिश है, या समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि नहीं जी आलमी इदारों में भी जाना चाहिए, PTI का हक है। देखिए बात सुने, जब हम कमजोर होते हैं, हमारा घर कमजोर होता है ना, जब हम कमजोर होते हैं तो जो सबसे कमजोर होता है वो भी आके एक थप्पड़ मार जाता है। अब सूरत यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत है और उसकी आवाम में जड़ें नहीं हैं, उसकी जड़ें कहीं और हैं और उसको कोई और लोग लाए हैं, तो इस तरह की हरकतें तो होंगी। अवामी नुमाइंदगान का वाले जो है वहाँ वजारत खारजा हमारी कहाँ थी जब ये सब कुछ पास हुआ वहाँ पर, वो कौन होते हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाला अमेरिका? हमें लड़ाई होगी, हमारे किला होगा, अपने घर में लड़ेंगे। मुझे याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर पे मुफ्ती महमूद साहब अपोजिशन लीडर थे, तो इंडिया एक सेमिनार में शिरकत के लिए गए, तो वहाँ साफियों ने उनको घेरा, इंडियन ने,
और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब भुट्टो साहब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरा पाकिस्तान का मसला है, ये बात मुझसे इस्लामाबाद में आकर सवाल करना, मैं जवाब दूंगा। यहाँ ये बात करेंगे, पाकिस्तान इंडिया की बात करूंगा मैं आपसे। तो बात ये कि जब हम पाकिस्तानी नहीं रहे हैं, अब हमने अपनी अपनी पार्टी के अंदर घुसे हैं, और अगर कोई कनाडा में बैठा है, अगर कोई कहीं और बैठा है, कहीं और बैठा है, वो अपनी पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। मैं इससे कतई नजर, मैं इससे कतई नजर उनकी उनके देखो उनके को खामी भी होगी, मैं ये नहीं कहता सारी खूबियां हर इंसान में होती हैं, खूबियां हैं खामियां भी हैं, लेकिन उस शख्स को फांसी दी गई, शहीद किया गया, मुल्क का वजीर आजम था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उसके लिए लोगों ने पेट्रोल छिड़का अपने जिस्मों पे, आग लगाई अपने जिस्मों पे, लेकिन किसने जाके अकवामी मुत्तहदा में आवाज नहीं उठाई, किसने जाके कनाडा में जुलूस नहीं निकाला, किसने जाके लंदन में जुलूस नहीं निकाला, कोई आलमी अदालत इंसाफ पे नहीं गया। हमने पाकिस्तान के मामला थे, हमें यही हल करने हैं, हमने यही रहना है। नवाज शरीफ को दो दफा बुलाकर इख्तलाफ कतई नजर, आपका इख्तलाफ हो एमजीएम का हो, असलम गोरी साहब बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल आपका इख्तलाफ सियासी इख्तलाफ नजरिया इख्तलाफ जो है वो एक जमहूरी हक है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर तक सदर आसिफ अली जरदारी ने इन्हीं कोर्टों में कहा कि भुट्टो के उस खून का जो है कत्ल का जो है उसको इंसाफ दिया जाए, वो आलमी अदालतों में नहीं गए, मिला ना इंसाफ, जी जी मिल गया ना, इंसाफ मिल गया ना, इसी अदालत ने दिया ना। मैं वही तो कहना चाह रहा था, अदालतें भी हमारी कमजोर है, बिल्कुल अदालतें भी हमारी इस वक्त देखिए अदालतें भी आपकी कमजोर हो चुकी हैं और हुकूमत भी आपकी कमजोर है, बजार हम सियासतदान है, हम हमेशा कहते हैं कि हर बुराई हमारे खाते में, हर गुनाह हमारे खाते में, लेकिन कर कोई और रहा होता है, करवा कोई हमसे और रहा होता है, हमें इससे बाहर आना होगा। ठीक है, हमें इस चीज से जब तक हम इक्तदार की इस जंग से बाहर नहीं निकलेंगे, हम पाकिस्तान बचाने की जंग बचा नहीं सकते। मगर मैं क्विकली सर इसी पे ज्ञानचंद से भी जवाब लेना चाहूंगा। ज्ञानचंद साहब एक और काम कर, जी जी ज्ञानचंद साहब एक बड़ा अहम सवाल है सर, ये जो आलमी अदालत का मामला है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वाकई ये मुदाखलत है इस वक्त पाकिस्तान के जमूर पे, पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान की टेरिटरी पे, पाकिस्तान की वजूद पे? दिसो पाण चवंदा आहियूं त घर जा मामला घर में ही थियनि था, बिल्कुल असांखे कॾहिं कॾहिं बि ॿिए पासे जा मामला पंहिंजो पाण न खणणु खपनि, इन में को बि शक कोन्हे। पीटीआई उहो सारी रेड लाइन्स वो क्रॉस कर रही है, फिर चीख भी रही है कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, जेलों में इनके सबको सहूलियात मिल रही हैं, कोर्ट्स काम कर रही हैं, कोर्ट्स इनको सुन रही हैं, बल्कि इनके जो हुकूक हैं उनको बहाल रखने के लिए कोर्ट्स के जजेस बाकायदा तौर पे इनकी तरफ से बाकी स्टेट के साथ जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं कि भाई आपके हुकूक उनके बहाल रखे जाए, उनको चरगे भी खिलाए जा रहे हैं, उनको मटन्स भी खिलाए जा रहे हैं, उनको देसी घी में पके खाने भी दिए जा रहे हैं, सब ऐसी भी दिए रह जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये तुले हुए हैं कि हम पाकिस्तान को भी बदनाम करेंगे, पाकिस्तान के सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है जो आलमी सतह पर इस वक्त MQM और PTI जो लेके गई है इससे पाकिस्तान की रुसवाई होगी, घर का मामला घर में हल होना चाहिए, केसेस चल रहे हैं, MQM क्या समझती है? देखिए जितनी भी पार्टी हैं पीपल्स पार्टी की जितनी भी पार्टीज हैं कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गए, इमरान खान एक एजेंडे पे काम कर रही है PTI, ठीक है, और वो पहले दिन से जब से आए इक्तदार में वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रखा है और उन्होंने खास तौर पर एक मुहिम चलाई हुई मुल्क को कमजोर करने की। चले बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब आपने वक्त निकाला, ज्ञानचंद साहब अवां जी वड़ी महरबानी, असलम गोरी साहब अवां जी वड़ी महरबानी, तया त फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते, पर तया त फ़ैसिलो इहो थियणु खपे त नफ़रतुनि खे दफ़न करणु खपे, पाकिस्तान लाइ सोचणु खपे, सिंध लाइ सोचणु खपे, सिंध जे कैपिटल कराची लाइ सोचणु खपे, नौजवान जी नौकरियुनि लाइ सोचणु खपे, ख़ासि तौर ते गर्मी में हिन वक़्तु जिते लोड शेडिंग आहे, सस्ती सिहत सस्ती तालीम सस्तो अटो नथो मिले, इन लाइ सोचणु खपे। सुभाणे ते हफ़्ता मोगरी खे इजाज़त ॾींदा, अलाह हाफ़िज़।